सावन के महीने में और खासकर रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई के रूप में ब्रजमंडल में घेवर फैनी खाने का चलन है। अमीर हो या गरीब, हर कोई फैनी से ही अपना त्योहार मनाता है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इतना स्वादिष्ट घेवर आखिर बनता कैसे है। तो देखिए ब्रज के प्रसिद्ध घेवर पर सुशील गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मौजूद हैं और आज हम आपको ऐसी एक खास जानकारी देने जा रहे हैं, ऐसी एक वस्तु को दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही निश्चित ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ब्रज में एक बहुत ही कहावत प्रचलित है कि 7 बार 9 त्यौहार, यानी कि 7 बार होते हैं सोमवार मंगलवार आदि, लेकिन यहाँ इन 7 बारों में 9 त्यौहार आते हैं। कभी कभी तो एक दिन 2-2 त्यौहार आते हैं और ब्रज में त्यौहार तीज उत्सवों को बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार पर अपने अलग तरीके से मनाने की ब्रज की परंपरा है, शैली है, खान पान से लेकर उसको मनाने की पूजा पद्धति सब बिल्कुल अलग है। तो श्रावण मास में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो रक्षाबंधन है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है और इसको यूं तो पूरे देश विदेश में सब जगह मनाते हैं, लेकिन ब्रज में इस त्यौहार के साथ मनाने का कुछ ढंग बड़ा ही निराला है। कहा जाता है कि सावन के रक्षाबंधन के मौके पर तो जिन युवकों की नई शादी होती है वो अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जाते हैं, जिसको ब्रज में कहते हैं बूरा खाना, यानी बूरा खाने ससुराल जा रहे हैं। और जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ उपहार, गिफ्ट, मिठाई आदि ले जाते हैं और उनमें अगर मिठाई की बात करें तो इस रक्षाबंधन और श्रावण के महीने में सबसे ज़्यादा घेवर फैनी का प्रचलन है। घेवर फैनी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। फीकी फैनी होती है, फीका घेवर होता है, मलाई का घेवर होता है, चाशनी का घेवर होता है, लेकिन मथुरा के जो घेवर हैं, वैसे तो मथुरा की हर मिठाई अपने आप में लजीज है, लेकिन घेवर की बात करें तो जिस तरह से मथुरा में घेवर बनता है वैसा शायद कहीं नहीं बनता होगा। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं मथुरा के उसी घेवर की दुकानों को, दिखाते हैं कि अभी से वहाँ घेवर बनने शुरू हो गए हैं और लोग श्रावण में अभी से जम कर घेवर की खरीदारी कर रहे हैं और पूरे महीने भर ये खरीदारी चलती है, क्योंकि बूरा खाने का जो चलन है वो रक्षाबंधन का तो होता ही है, उससे पहले हरियाली तीज हो, हरियाली अमावस्या हो, उसमें भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ससुराल में इस त्यौहार को मनाने के लिए जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग भर भर कर थैलों में, डिब्बों में घेवर को ले जा रहे हैं। तो आइए अब हम दिखाते हैं मथुरा के, हम एक ऐसे दुकान पर मौजूद हैं जहाँ से भारी मात्रा में ग्राहक आए हुए हैं, घेवर खरीद खरीद कर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि ब्रज का घेवर अपने आप में अलग ये अपनी पहचान रखता है। और मेरे साथ काफ़ी घेवर के देखिए डब्बे पैक कर करके ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मुखिया है। राकेश, क्या खरीदा आपने? मैंने घेवर खरीदा सर। घेवर कितना किलो? 4 किलो नहीं, करीब 4 डब्बे हैं। 4 डब्बे हैं, एक एक किलो के और आधी आधी किलो के। तो कहाँ बूरा खाने जा रहे हो, किस लिए? नहीं सर जी, मैं गिफ्ट के लिए ले जा रहा हूँ, उदयपुर ले जा रहा हूँ। अच्छा, किन को देने? जरा मेरी बहन रहती है वहाँ। रक्षाबंधन पे जाओ। हाँ, और वैसे बूरा खाने जाते हैं तब भी ले जाते हैं? हाँ, जब भी ले जाते हैं, अपने ब्रज में तो घेवर का फेमस है। फेमस है। हाँ, अच्छा, जहाँ तमाम मिठाइयाँ रखी हैं घेवर ही क्यों चुना आपने? सर ये 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 सर हमारे बहनों के लिए यही मेन मिठाई है, जो रक्षाबंधन पर यही दी जाती है सब घेवर। घेवर कितना रुपए किलो है? ये 540 रुपये किलो बता रहे हैं। मलाई घेवर? हाँ जी। और राधा रानी कृपा है अपने ब्रजवासियों पे, जो घेवर अपनी बहनों के लिए ले जा रहे हैं। शादी हुई आपकी? नहीं हुई। हाँ जी, दो बच्ची हैं। दो बच्चे हैं। तो जब आप अपनी शादी के बाद गए होंगे बूरा खाने तो लेके गए होंगे? हाँ यस। जब कितना लेके गए? करीब करीब मैं लेके गया था 7 किलो। हाँ जी।
मैं हर साल ही ले जाता हूँ 3-4 किलो। अब जैसे जैसे पुराना होता जा रहा हूँ, शादी 12 साल हो गई, शादी को 11-12 साल, तो पहले तो शुरू यहाँ घेबर लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोग बता रहे हैं या अपनी बहन के यहाँ जाएँ, अपनी ससुराल जाएँ, अपने रिश्तेदारी में जाएँ, सब जगह इस वक्त जो चलन में है वो घेबर ही है। और भी आए हैं शायद, भैया आप भी लेने आए हो यहाँ घेबर? रबड़ी। अच्छा, रबड़ी ले जा रहे हो, घेबर बाद में खरीदोगे? हाँ। तो देखिए ये रबड़ी लेने आए, तो यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग जो पैकेट ले लेके जा रहे हैं घेबर, क्योंकि ये श्रावण के महीने में, खासकर ब्रज की बात करें तो यहाँ घेबर चलन में है। और लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ से डब्बों में भर भर कर मथुरा का प्रसिद्ध जो घेबर है उसको लेकर जा रहे हैं। तो देखिए दुकान पर इस वक्त घेबर लेने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है और अलग अलग तरीके के घेबर यहाँ से खरीद कर ले जा रहे हैं। और आप देखेंगे चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, स्थानीय लोग हो या बाहर के, सभी लोग घेबर की खरीदारी करके ले जा रहे हैं। आइए उसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? संगीता। संगीता कहाँ की रहने वाली हो? ये मोहली गली, कोयला वाली गली। हाँ। तो क्या खरीदा है आप? घेवर फैनी। घेवर फैनी। इस मिठाई की दुकान पर हो यहाँ कम से कम 50 तरह की मिठाइयाँ, यही क्यों खरीदा आपने? ये सावन के महीने में घेवर ही चलते हैं, घेवर और फैनी की स्पेशल है ये। किस चीज से बनता है, कौन सा घेबर आपको पसंद है? यहाँ कई तरह के घेबर। मलाई वाला। क्या रेट है? 560। हर बार सावन में यही घेबर खरीदते हो? देखा आपने, लोग बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ मथुरा का ये जो प्रसिद्ध घेबर है, फैनी है, लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और इसका जो स्वाद है वो अपने आप में बेहद ही लजीज है, खूबसूरत है। लोग दूर दूर के लोग यहाँ से घेबर खरीदने आते हैं। तो आइए अब हम इस घेबर की वो विधि दिखाते हैं कि आखिर इतना स्वादिष्ट, इतना लजीज और मनपसंद ये जो घेबर है, सावन के महीने में सबसे ज़्यादा इसकी जो बिक्री खरीदारी लोग करते हैं, आखिर ये बनता कैसे है। तो आइए अब हम आपको घेबर बनाने के उस गोदाम पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस घेबर को बनाया जा रहा है। कैसे घेवर बनता है इसकी पूरी विधि समझाने के लिए हम उस फैक्ट्री में आ गए, गोदाम में आ गए, जहाँ बड़े स्तर पर मथुरा में इस वक्त सावन मास में सबसे ज़्यादा बिकने वाले इस घेवर को बनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि किस विधि से बनाया जाता है, क्या क्या इसमें सामग्री डाली जाती है या कारीगर लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ये जो इस वक्त घेवर बन रहा है, मलाई घेवर या सादा घेवर, तो कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री इसमें लगती है? ज्ञान तो घी है, ज्ञान घी है, देसी ज्ञान, बढ़िया वाला, बढ़िया। अच्छा, दूसरा इसको घी चटका के और बर्फ में जमाया जाता है, बर्फ, और फिर इसका मैदा पटक के होल बनाया जाता है जी। फिर मल्ली लगाए, दूध लगाया जाता है, 5 किलो में आधे किलो दूध। तो मैदा हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, बर्फ हो गई, बर्फ हो गई, बर्फ बना के और मल्ली बन जाए, घोल बन जाता है, फैन तैयार हो गया, वहाँ घेवर हो जाता है और उससे फिर घेवर बन जाता है। इसके बिना नहीं बनेगा ये। तो कढ़ाई में जो आप डाल रहे हैं उसमें सांचे बने हुए हैं, तो उसको पर कैसे बनाते हैं उसमें डालने के बाद? ऐसे ही बनता है ना ये, बन गया है इस घोल को, इसको घोल को, इसमें 15 किलो पानी लगता है जी, 5 किलो मैदे में, मंदी मंदी आँच पर सेकते हैं, मध्य मध्य आँच पर, ज़्यादा तेज पर नहीं, बेकार हो जाएगा, मध्य मध्य आँच पर। घी घी देसी है, हाँ देसी घी। जो फिर इसके ऊपर पीली पीली पड़ता है मलाई में, वो तो मलाई है, वो बुमा बनती है, मलाई है, डालते हैं उसके ऊपर। जब ये यहाँ से जाता है ना दुकानों पे, तैयार होके तो वहीं पर डलती है, तैयार यहाँ होती है, तैयार होके मलाई में हाथ के हाथ चढ़ती है। तो बड़े पैमाने पर आपके यहाँ बन रहा है घेवर? बड़े पैमाने, लगभग भट्टियाँ चल रही, कितने कारीगर लग रहे हैं? कम से कम 50-60 भट्टी है, 50-60 भट्टी है, और दिन रात चल रहा है? हाँ, दिन रात भी समझ लो 12-1 बजे तक तो होता ही है, सुबह 5 बजे से 12-1 बजे तक होता है, और कम से कम 100-100 आदमी है केबल गेबर पर। और देखा ये ओम प्रकाश बड़े बुजुर्ग कारीगर हैं और एक लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि घेवर को देखकर जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि इतना स्वादिष्ट जो घेवर है, जरूर इसमें बहुत सारे आइटम डलते होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि शुद्ध देसी घी उसमें डालते हैं, मैदा डालते हैं और बर्फ़ डालते हैं, उससे उसका एक
अलग नाम दिया इन्होंने, और दूध डालते हैं और इसका जो फैन बनता है इसका नाम इन्होंने दिया मल्ली। उस मल्ली को बनाते हो काफ़ी देर तक। आप देख रहे हैं, देखिए ये देसी घी निकाला जा रहा है और इससे घी का प्रयोग किया जा रहा है पूरा, जब शुद्ध ज्ञान ब्रांड घी है और जब शुद्ध चीज़ है तो इसलिए शुद्ध इससे मिठाई बनती है। और आप देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, इसमें मैदा घी बर्फ़ और दूध मिलाकर इसको फेंटा जा रहा है। जितना अधिक इसको फेंटेंगे उतनी उसमें लोच आएगी और उसका जो स्वाद है फिर वो निखर कर आएगा। तो ये पूरी विधि आप देख रहे हैं। और मैं बता दूं कि मथुरा में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त घेवर का जो काम चल रहा है, तो यहाँ के जो ब्रांड है ब्रजवासी मिठाई वाला, उनके का गोदाम में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि लगभग 100 से अधिक लोग केवल घेवर बनाने पर लगे हुए हैं। यूँ तो यहाँ सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन इस वक्त जैसा मैंने बताया सावन मास में केवल और केवल घेवर की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और आप देख रहे हैं लोग अभी से 5-5, 10-10 किलो घेवर ले जा रहे हैं, और दूर दूर तक ये घेवर जाता है। और यहाँ गोदाम में आप देख रहे हैं कितनी सारी भट्टियाँ लगी हुई हैं, करीब 70 से अधिक भट्टी लगी हुई हैं। चारों तरफ जहाँ जगह खाली दिख रही है वहाँ उन्होंने भट्टी लगा रखी है, बाहर टेंट डालकर भट्टी लगाई है, और केवल घेवर तैयार किया जा रहा है। ब्रज का मलाई घेवर, जो कि नाम से ही बिकता है, ब्रज का मलाई घेवर की अगर बात आती है तो सीधे लोग मथुरा खरीदने आते हैं। और आप देख रहे हैं, और देखिए यहाँ कितने कारीगर इस कार्य में जुटे हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि सब घेवर, और जैसा इन्होंने ओम प्रकाश ने बताया कि मल्ली जब जो फैन है उसके बाद इस तरह का ये घेवर बन के आता है। और ये देखिए इनके पास एक एक बर्तन में फैन है जिसको ये चला रहे हैं, और इस फैन को अब ये कढ़ाई में सांचे बने हुए हैं। और डालने की भी विधि बड़ी अलग है, एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसको बूंद बूंद कर करके डालते हैं तभी इसमें जाली बनती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीमे धीमे आँच पर, मंदी आँच पर, और थोड़ा थोड़ा इसमें ये डाल रहे हैं, एक साथ नहीं डाल रहे, शायद एक साथ डालेंगे तो उतना जिस तरह से इसमें जो जाली बन रही है और जो कड़कपन है वो शायद नहीं आता, और इसलिए हम अच्छा ओम प्रकाश जी हम एक चीज़ पूछेंगे, ये जो इसमें आप इधर मुंह कीजिए, जो फैन को डाल रहे हैं तो बूंद बूंद करके क्यों डालते हैं, एक बार क्यों? एक बार नहीं डलती है ये, और एक डलेगी तो खराब हो जाएगा ये, और थोड़ा थोड़ा डलेगा ना तो बाढ़ आ जाती है इसकी, जानदार हो जाली आती है, जाली आती है ना वो थोड़ी थोड़ी से आती है। हाँ अच्छा, इसमें ये तो आपने विधि बता दी, सामान बता दिया, औजार कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है इन औजारों के? जो एक तो तई है, एक सांचा है, कढ़ाई है, जाल है, चम्मच है, छुरी है, सलाई है, पोनी है, कलची है, कलची है, डोरी है, ये आइटम लगभग 10 इसमें औजार लगे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि धीमा धीमा करके थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाला जाता है फैन, और देखिए किनाठे पर भी डाला जा रहा है कि जब बन के, ये जो आप किन्नौर देख रहे हैं इस किन्नौर को भी बनाने की विधि, जो अपना उनका सांचा उसकी किन्नौर पर डालते हैं, फिर बार बार उसको हिलाते हैं जिससे जमे नहीं, और जैसे ही जब वो पूरी तरह से मंदी आँच पर सिक जाता है तो फिर इस तरह का ये पीस, देखिए किन्नौर पर किस तरह से डाला जा रहा है, किन्नौर बनाई जा रही है। तो एक बहुत ही जो सुंदर ढंग से जब सिक कर तैयार होकर आता है तो आप उसका स्वाद लेते हैं, लेकिन स्वाद से पहले किस तरह से इसकी विधि है ये देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह का ये जब घेवर तैयार हो जाता है तो इसके बाद इसके ऊपर जो अंतिम जो इसका काम है वो मलाई उस पर डाली जाती है, और उस मलाई में ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब डाले जाते हैं, और उसके बाद वो बाज़ार में सुंदर पैकिंग के साथ आपके बीच आता है। और इस वक्त मथुरा में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो घेवर है, ब्रिजवासी मिठाई वाला हो या शंकर मिठाई वाला, ये यहाँ के नामचीन प्रतिष्ठान है, यहाँ लगभग 550 रुपये किलो ये घेवर बिक रहा है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से यहाँ मथुरा में ये घेवर बनाया जा रहा है, श्रावण मास की सबसे प्रसिद्ध ये जो मिठाई है। और यहाँ इनके जो ऑनर है ब्रिजवासी मिठाई वाला, जो एक ब्रांड है मथुरा की, उनके नाम से ही लोग उनके सामग्री को लेते हैं। तो आइए उनसे जाने के एक दिन में लगभग कितने कारीगर बना रहे हैं, और कितनी आपकी एक दिन में औसतन बिक्री हो रही है घेवर की? काफ़ी क्वांटिटी में घेवर हमारे यहाँ बन रहा है, 50 भट्टियाँ करीब लगी हुई हैं, और घेवर
की पूर्ति हो नहीं पाती हम लोगों में। हम देखते हैं कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले तो बिल्कुल आपके जितने दुकान हैं सब जगह स्टॉक खत्म हो जाता है, जबकि इतनी सारी भट्टियाँ लग रही हैं। एक्चुअल में इसमें बड़ी घेवर में बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी गर्मी में बहुत मेहनत से घेवर बनता है, तो ये बहुत हिसाब से क्वांटिटी बन पाती है, ज़्यादा ओवर और बरसात का मौसम होता है इसको ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करती। इस बार आपने क्या रेट रखा है? अब की बार तो घी वगैरह बहुत हायर रेट हैं, बहुत ज़्यादा है, 8200 रुपये घी का टीन है, तो इस वजह से घेवर 560 रुपये के जी है। मलाई घेवर दोनों, मलाई और चीनी वाला दोनों, दो ही तरह के घेवर बनता है। अलग अलग साइज भी देख रहे हैं हम, छोटे भी हैं बड़े भी हैं आपके यहाँ? दो ही साइज बनते हैं, एक मिनी वाला बनता है और एक ये दो साइज बनते हैं। तो देखा ये ब्रजवासी है मिठाई वाला के प्रतिष्ठान में, और जैसा यहाँ के जो मालिक मेरे साथ खड़े उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के बीच में और आग के भट्टी और चारों तरफ लगे उनके बीच में हमें अभी यहाँ 10-15 मिनट हुए पसीने में तर बतर हो गए, और जो लोग सुबह से लेकर रात तक इस काम को करते हैं सिर्फ इसलिए कि मथुरा की जो फेमस मिठाई है वो आपके पास तक पहुँचे, ब्रज का स्वाद आपके पास तक पहुँचे, तो उसी के लिए सब मथुरा में इसकी तैयारी चल रही है। तो हम चाहेंगे यदि आपने मथुरा के मलाई वाले घेवर का स्वाद नहीं चखा तो एक बार जीना न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे फिर कहेंगे कि मथुरा आओ तो जरूर ब्रज का ये मलाई वाला घेवर जरूर चखें। एक बार आप हमारे कहने से कहोगे तो फिर बार बार इस घेवर के लिए आप यहाँ आओगे। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।